इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। सबसे पहले सुर्खियां। फर्जी ब्लड रिपोर्ट देने वाले लैब पर छापा, एक को किया गिरफ्तार, शहर में खलबली। क्या और भी जगहों पर फर्जी रिपोर्ट दिए जा रहे हैं? तहकीक जारी है। कोरोना की भी फर्जी रिपोर्ट दी गई, कोरोना की भी फर्जी रिपोर्ट दी जा रही थी, पिरनवाड़ी में हुई कार्रवाई। कोरोना से अब तक 150 के करीब स्कूली असातिज़ाओं की मौत, रियासत हुकूमत घर वालों को देगी नौकरी। महज 18 दिन में 2000 से भी ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई, पुलिस थानों के सामने मोटरसाइकिलों की लगी हुई है भीड़। इसके बावजूद आवाम की भीड़ से रास्ते पर कम होने को तैयार नहीं। वक्त से पहले ही दुकानों को बंद करने की पुलिस कार्रवाई पर दुकान मालिकों में नाराजगी, जब इजाजत दी गई है तो फिर क्यों सख्ती। वजीर सेहत ही हुए मरीज, के सुधाकर अस्पताल में जेर इलाज। एक बार फिर सेवा फाउंडेशन की जानिब से जहनी बीमार शख्स की देखभाल, इंसानियत के पैगाम को आम करती सेवा फाउंडेशन के खिदमात को सराहा जा रहा है। अंजुमन कोविड सेंटर की इफ्तिताह, बेलगाम ऑक्सीजन के मालिक वेंकटेश पाटिल के हाथों इफ्तिताह अमल में आई। लॉकडाउन में होटल किराना दुकान खोलने पर कार्रवाई जारी। संकेश्वर मुस्लिम जमात की जानिब से हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को खाने के पैकेट्स तकसीम। बेलगाम के अतराफ देहातों में यात्राओं से फैल रहा है कोरोना, देहातों में घर घर जाकर कोरोना टेस्ट। ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मैक्सी कैब टैक्सी ड्राइवरों को 3000 सरकारी इमदाद के लिए ऑनलाइन अर्जियां जारी, सेवा सिंधु ऐप पर करें नाम दर्ज। अनगुल के सामाजिक खिदमतगार और पीएफआई के कारकुन जनाब तौफीक मुजावर का इंतकाल। आखिर में मुल्क के मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान का इंतकाल। अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी व सदर थे, मुहिब्बान उर्दू के तौर पर जाना जाता था। इंतकाल बेंगलोर में हुआ। अब अहम मौजू पर एक नजर। वैसे तो पैकेजेस, सरकारी इमदाद के ऐलान बारह हम सुनते रहते हैं, और खासकर अब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो लाखों करोड़ों दिए बगैर तो जाते नहीं। खैर, आज हम बेलगाम शहर के सेहत हालात और डीसी बेलगाम की जानिब से किए बयानात पर नजरसानी करते हैं। वैसे तो मरीजों के घटने की बात कही जा रही है, वैक्सीनेशन पर हम हर रोज कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, आता रहता है, खबरें सुनने में देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अब तो हुकूमत के खिलाफ भी कुछ बोलो तो मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो आप हुकूमत की नज़र में बड़े अच्छे लोगों में शुमार होते हैं, और अगर सवाल पूछोगे तो मुश्किलों के रोड़े कहाँ से कैसे लाए जाए पता भी नहीं चलता। पर हमारा काम है सवाल करना, और सवाल करते रहेंगे। मरीजों के हालत का अगर सच कहा जाए तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ यह भी बात माननी पड़ेगी कि कुछ मरीज अच्छे भी होकर घर लौट रहे हैं। कहने का मतलब, जितने भी मरीज अस्पताल या सिविल अस्पताल में जाते हैं तो वापस लौटते ही नहीं, यह गलत बात है जो उमूमन माशरे में, समाज में, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की खबरें गश्त करती रहती है। इससे पहले भी हमने कहा था कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वाकई सच्चे दिल से किसी मुफाद की उम्मीद किए बगैर कामों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह कुछ डॉक्टर्स हैं जो बिना फायदे के कुछ करते ही नहीं। ऐसा लगता है कि इस तरह की कुछ आफत आती है तो गोया इनका सीजन शुरू हो जाता है। अब बात बेलगाम डीसी की करते हैं, जिन्होंने कहा कि मुफ्त इलाज निजी अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी है। पर क्या डीसी साहब, निजी अस्पतालों में क्या रवैया मरीज के साथ इख्तियार किया जाता है, इसका कुछ इल्म भी आपको है? खैर, मुफ्त में इलाज तो छोड़ो, रुपये देने के बावजूद भी मरीजों के साथ दवाइयां तो दूर, सही बर्ताव तक नहीं किया जाता। एक दूसरे की तरफ उंगली उठाकर अपने आप को जिम्मेदारी से बरी करना गोया निजी अस्पतालों में आम प्रैक्टिस बनती जा रही है। बजाय हिम्मत हौसला देने के, पहला जुमला ही अस्पताल में दाखिल होते ही मरीज की हालत बहुत नाजुक है और हम किसी तरह की गारंटी नहीं देते, यानी पहले ही घर वालों को आप रुपयों की तरफ ना देखो बल्कि मरीज की जान बचाने की सोचो, क्योंकि अब हम लाखों रुपये तुमसे लेने वाले हैं, शायद यही दिल में वो कहते रहते। खैर, डीसी साहब ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज किया जाएगा और 50 बेड हमेशा रिजर्व रहेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा अस्पताल बेलगाम में कोई बताएगा जहां पर आयुष्मान
आयुष्मान भारत के तहत इलाज हुआ हो, या यहाँ पर तो एजेंटों को मुंतखब किया जाता है कि आप अगर मरीज या ग्राहक को लाएंगे तो आपको कमीशन दिया जाएगा। अब आप ही को फैसला करना पड़ेगा कि जहाँ मुर्दे के कफन में कमीशन खाए जाते हैं वहाँ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मरीज के साथ अच्छा सलूक हो जाए। लिहाजा हुकूमत को इसमें दखल देना होगा। अगर वाकई जैसे डीसी बेलगाम ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज करने का हुक्म दिया गया है तो इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। महज ऐलानात और स्कीमों को जाहिर करने से आवाम को फायदा नहीं होता। इतना तो जरूर है कि मरीज के घर वाले और खुद मरीज भी परेशान है। लाखों के बिल अदा करने की कुव्वत घर वालों में नहीं होती। हुकूमत ने गाइडलाइन तो बहुत जारी किया है पर अमल कितना हो रहा है यह भी सवाल है। अगर निजी अस्पताल वाले मनमानी कारोबार चला रहे हैं आवाम की जानिब से बिम्स में ही दाखिल लेने की कोशिश जारी रहती है, लिहाजा यहाँ पर बेड नहीं मिलता। सहाफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि बिम्स को लेकर काफी शिकायतें हैं पर अब यहाँ एक अफसर को ही मुंतखब किया जाएगा, ऐसा डीसी बेलगाम ने कहा। और महंगे इलाज के चलते अक्सर लोग सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं पर अब प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज किया जाएगा, ऐसा डीसी बेलगाम ने कहा। तकरीबन 400 से भी ज्यादा देहातों में कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए गए हैं। बेलगाम जिला में 2000 के करीब देहात हैं, सभी देहातों में कोरोना टेस्ट का मकसद जल्द पूरा करेंगे, ऐसा भी कहा गया। पर आवाम में डीसी के बयान पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मरीजों के साथ जो रवैया निजी अस्पतालों में लाखों रुपये लेकर किया जा रहा है शायद इसका इल्म नहीं है। मुफ्त इलाज की तो दूर की बात, रुपये लेकर भी सही इलाज नहीं किया जा रहा। शिकायत की जा रही है कि आवाम की जानिब से यह सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या बेलगाम शहर के किसी एक भी प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज किसी का तो हुआ है क्या? जो भी हो पर मरीज की घटती तादाद के मद्देनजर ही सही, पर क्या प्राइवेट अस्पतालों को किसी गरीब की दुआ लेने की तौफीक हासिल होती है क्या? ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है। भले ही मरीजों की तादाद आज भी बेलगाम में 1000 से 1500 के करीब है पर मौतों के आंकड़े घटते नजर आ रहे। उम्मीद करते हैं कि अब किसी तीसरी लहर का डर ना दिखाए और यहाँ से ही ये वबा लौट जाए। इस मौजू पर बात करें या नागरिक समझ में नहीं आ रहा पर जरूरी है, इसलिए भी है कि वैक्सीनेशन को लेकर अवाम आज भी शकोशुबात में है। शकोशुबात में मुलविस आवाम के सामने कई ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से जहन फिर मुंतशिर हो जाता है। अवाम के दिलों की बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश वैसे भी मीडिया करती रहती है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक वायरल खबर को और वीडियो को अवाम के मोबाइल में जो गश्त कर रहा है जिसमें दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और फ्रेंच के नोबल एजाज से नवाजे गए ल्यूक मोंटेग्नियर ने कहा है कि जिन्होंने भी वैक्सीन ली है इनकी 2 साल में मौत होगी, कोरोना वैक्सीन नाकाबिले कबूल गलती है, ऐसा भी इस खबर में दिखाया जा रहा है। यह खबर दुनिया भर में गश्त कर रही है और इसे दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई खबर कहा जा रहा है, पर फैक्ट चेक के जरिए इस खबर को फर्जी कहा जा रहा है। इसके बावजूद भी खबर आज भी गश्त कर रही है जिससे वैक्सीन लेने वाले तश्वीश में है कि पहले से ही मुख्तलिफ वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत में दिए जा रहे हैं पर भारत में लगाई जा रही कोवैक्सीन को अब तक मंजूरी नहीं दी गई, लिहाजा रशिया की स्पुटनिक मॉडर्ना फाइजर भी भारत में दिए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत में अपने आप को योग गुरु और बाबा रामदेव कहने वाले कारोबारी लाला ने फिर एक बार 10,000 से भी ज्यादा डॉक्टरों की मौत महज 2 डोज वैक्सीनेशन लेने की वजह से होने की बात कही। वाजा रहे कि इस तरह के बयानबाजी से लाला रामदेव पर कार्रवाई की मांग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। एलोपैथी दवाइयों को रामदेव ने नाकाबिल कहा है। इसके बाद काफी हंगामा भी हुआ पर एक बार फिर आयुर्वेद ही इसका इलाज कहते हुए वैक्सीनेशन लेने वाले डॉक्टरों की मौत पर एक बार फिर अपनी जबान खोली है। लेकिन जिस तरह से झूठी बातें लाला रामदेव फैला रहे क्या कोई कार्रवाई करेगा? इसलिए कार्रवाई करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि सरकार तो इनके घर की ही है। महज बाबा रामदेव या फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे गौमूत्र को बतौर दवा पेश करने वाले तो है ही, पर बेलगाम में भी इस तरह की जहालत देखी जा रही है कि कुछ अपने आप को बड़े लीडर कहने वाले गोमूत्र की बोतलें और गोबर यहाँ तक कि तुलसी के पत्ते और कापुर तक जलाने की खबरें हासिल हो रही है। अब इख्तदार पजीर हुकूमत के लीडर ही अगर इस तरह की अफवाहों के जरिए आवाम को गुमराह करने लगे तो कार्रवाई इन पर कौन करेगा? क्या पुलिस वाकई इन पर कार्रवाई करेगी? आवाम को बेवजह पकड़ कर जुर्माना या गाड़ियां जब्त करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है ऐसे लीडरों पर कार्रवाई करना। अगर किसी का नाम मालूम
भी हो तो इंतजामिया हिम्मत नहीं करेगी क्या ऐसे लीडरों पर कार्रवाई करे। खैर एक बार फिर झूठ का बोलबाला जारी है, गलत खबरों के जरिए आवाम को वरगलाया जा रहा है। यह भी इत्तला हासिल हुई है कि गोबर की वजह से ही ब्लैक फंगस का इजाद हुआ है। जरूरत है सही इलाज के जरिए मर्ज से निजात पाए, वरना तो मौतों के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। खैर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तला न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।